आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मंडला जनपद के अंतर्गत ग्वारा ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए ग्राम पंचायत में धर दबोचा है। रोजगार सहायक द्वारा 20,000 की रिश्वत मटेरियल सप्लायर से बिल भुगतान के नाम पर ली जा रही थी। जैसे ही रिश्वत की राशि दी गई, लोकायुक्त की टीम मौके पर पहुंचकर तत्काल उसे पकड़ लिया। आवेदक अरविंद जंघेला ने बताया कि उसने ग्राम पंचायत में नल और कुआं वाले स्थान में बन रहे शोकपीठ के लिए मटेरियल सप्लाई किया था। 9 शोकपीठ बनाए जा रहे थे और आरोपी ने उसे 18,000 रुपए प्रति शोकपीठ के हिसाब से मटेरियल सप्लाई किया था, जिसका 1,62,000 रुपए हो रहा था। रोजगार सहायक द्वारा पूरी राशि निकलवाने के लिए 50,000 रुपए की मांग कर रहे थे। 58,990 रुपए निकालने के लिए 5,000 की राशि ले चुके थे। शेष राशि निकालने के लिए भी डिमांड की जा रही थी। इसी के चलते 20,000 रुपए की राशि दे रहा था। इसके बाद 25,000 रुपए और देना था। राशि न देने पर लगातार घुमाया फिरा जा रहा था, जिस कारण लोकायुक्त को शिकायत करनी पड़ी और लोकायुक्त की टीम ने रोजगार सहायक को रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया।